यूपी सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के झंडे लगाने को लेकर हंगामा हो गया, जहां दुकानदार से भाजपा नेता ने कांग्रेस पार्टी के झंडे को हटाने को कहा, लेकिन दुकानदार के द्वारा झंडा न हटाए जाने पर उसके साथ मारपीट कर दी गई। मौके पर आसपास के लोग एकत्र हो गए, तभी किसी तरह मामले को समझा बुझाकर शांत कराया गया। कांग्रेस पार्टी के रैलियाँ निकलती है तो क्या झंडा लगा जाते हैं, कोई भी लगा जाए, हम तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं कौन क्या लगा के चला जाए। उन्होंने कहा था झंडा हटा दो, तो मैंने हम थोड़ा बिजी थे, तो लोगों ने कहा था कि हम बिजी हैं, लगा सर थोड़ी बाद में हटा लेंगे, तो कहा तू अभी हटा, तो मतलब बहसबाजी कर रहा है ये और वो, तो कौन है वो? दीपक डल है उनका नाम। क्या कौन है, दबंग आदमी है, कौन है, क्या है वो? पार्षद है पहले में। किस पार्टी से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। वैसे तो भैया आज वैसे तो उनसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं मतलब आज मामला खुला किया, मतलब बात कर रहे हैं, वो आए थे पैर में। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।